बहुत खतरनाक है तू। क्या समझा था तू मुझे? ऐसे ही समझा था छोटा मोटा? बिल्कुल लगा छोटा मोटा होगा, बाकी के जैसा टपोरी वाला। क्या लगा था? टपोरी वाला समझ रहा था, टपोरी वाला समझ रहा था। देखा बहुत खतरनाक है तू, छोड़ दे, मुझे लग रहा मेरी जान निकल जाएगी। छोड़ेंगे तो नहीं, तुझे छोड़ेंगे कसम। आज मैं पकड़ा गया, आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। कांच की बोतल में डाल दू? नहीं नहीं डाल दू, नहीं नहीं नहीं। क्या अंगूठी के नग में डाल दू तुझे? नहीं नहीं बोतल किसी को भी दे दूंगा, वो उससे ज्यादा तकलीफ होंगी तुझे। जब अंगूठी घस कर निकालेंगे बाहर तो तुझे गुलामी का काम लगाएंगे तुझसे। ना लाया लोगों की जान आ ले रहा तू ऐसा। तो बाकर तुझे एक मौका दे रहा। लगाओ उसके नाक में अतर दम करा के। चल रहे पूरी ताकत लगा, जोर से और जोर से, जोर से, जोर से। अल्लाह जोर से लगा पूरी ताकत, झगड़ो उसको तेज के साथ में। हाँ लगा रे पूरी ताकत लगा, जोर से और जोर से, जोर से पूरी ताकत। चल लगा पूरी ताकत लगा। ये टूल टूट गया तो इसको बन के रस्सियों से कब तक रखने वाले? बदलो ना जरा उसको, झगड़ो इसको ना लाया कोर्ट से। ये इंटरनेशनल मामला चलता है यहाँ, पूरे दुनिया लेवल के लोग देख के बोलेंगे ना क्या बन के रखे वैसा। अब क्या तावीज है, वो लोग ऐसा सोचेंगे कि उसको भी तागे तावीज डोड़िया कर रहे, क्या हंसी की बात होगी ना। बदल देना फौरी और दूसरा नया ला कर रखना। झगड़ा उसको ना लाया कुत्ते के साथ में। चल रहे पूरी ताकत लगा और जोर से। पानी का बॉटल रखो, लाओ कहाँ है उसका स्प्रे का। ताकत लगा जरा जोर से, देखना है मुझे कितनी ताकत है तेरी। तो और जोर से होगा इतना से। अरे लाना रे जल्दी खेलते बट। हाँ और जोर से, देखना है मुझे पूरी ताकत, बता जल्दी। मैं नहीं छोड़ेगा इसको। हाँ? नहीं छोड़ेगा। जरा जोर से, जरा पहला तेरा एटीट्यूड मैं जोर से देखना चाहता, बाद में तुझे मार ना लायक मारने लगा कि चिंदिया करा दूंगा तो फिर क्या मतलब का? बता जरा जोर से। हाँ लगा, अब ताकत लगा जोर से। चल होगा इतनी ताकत है, होगा। चलो उसको जकड़ो, लाओ बाहर से जंजीरा और बन के डालो उसको। मुझे उसके हाथा काट के होना दोनों बाहर टांगने के। क्यों सता रहा उन्हें वो लड़के को? क्या किया तेरा खजाना लिया उन्होंने? हाँ जल्दी सवाल का जवाब, टाइम नहीं है मेरे पास। फिर तेरा घर में डाका डाला? नहीं, तेरे बच्चे को मार दिया? हाँ ठीक है, चलो उसको जलाने की तैयारी करो उसको तेजी के साथ में। واستغفر الله إن الله غفور رحيم। जलाओ उसके अंदर से आग, लगाओ अब तेजी के साथ जकड़ के उसको।
رب فلا يخبط ما الله واحد وانا من المسلمون من القاصدين فمن اسلم فاولا يقدر مش مخضنا حتى بالاستقامة للتركة الاسفل ما قد ضحمت من يورزا من المسجد الله فعلا ما الله يحد احد مطبخا عبد الله يدكاد يكونون عليه يدقلنا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به قل إن عبد الله تزار ما نشر قل لن يزعو عني قل لن تبلغ من الله برسالة إن الله نار جحنم خالدين فيها حتى إذا رد فصيح لهم من نزل فنشر قل له الداعد قل إن أدري أخرب ما تودون من ربي يوم الداج من الغيب فلا يزر الله غيب أحد إلا ما نرقص من الرسول بين الجزم بين الغلق في المصد يا لمن قد تبلغ صلاة ربي ما حتى بمرض الناس قل إشنا الداعد आग लगाओ उसके अंदर से जलाओ जरा उसको तेजी के साथ में लाओ अब उसको यहां बिठाओ पकड़ के बिंदास अब डरो मत चलो सीधा चल रहे बैठना लायक जोर से बयान कर कहां से आया था नहीं बताऊंगा जोर से बोल जो भी बोलना है तो नहीं बताऊंगा हां नहीं बताऊंगा क्या नहीं बताऊंगा जोर से नहीं बताऊंगा चीख लगा कर मुझे भी तो पता चलना ना कितनी ताकत है तेरी जोर से हाँ क्या बोला कितने साल से पकड़ा है वो लड़के को कहाँ ले जाने वाला था शमशान कब्रस्तान जोर से बोल नहीं बताएगा मुझे नहीं बताएगा मुझे नहीं बताएगा जलाओ उसको नाला उसके काट के लेने की तैयारी करो बताएंगा नहीं बताएंगा बताऊंगा देखा नहीं देखा मेरी ताकत ताकत देखा नहीं देखा यहाँ कितनी है तो बहुत ताकत है तेरे पास ये अल्लाह कलाम की ताकत है देखा ना छोड़ दे क्या काट के बाहर टांग दू नहीं क्या समझा था नींबू काटने वाला समझा मुझे ऐसे ही लोकल समझा था देखा अल्लाह वालों की ताकत कैसी रही थी तो जोर से बोल जोर से बहुत तकलीफ हो रही जोर से बोल छोड़ू नहीं छोड़ू छोड़ दे जोर से बता रहा हूँ छोड़ दे जोर से चीख मार के छोड़ दे नहीं सुने नहीं आया चीख मार छोड़ दे चीख मार सुने नहीं आ रहा सुने नहीं आ रहा छोड़ दे हाँ बता कहाँ से लाया आया था शमशान से कब्रिस्तान से जो पूछा उतना ही जवाब दे एडवांस का जवाब नहीं होना मुझे कौन डाले अभी मैंने उसी का नाम नहीं पूछा किसी का भी अभी मैं नाम नहीं पूछा नाम मत बता आगे के चक्कर में नाम पूछूंगा अभी सिर्फ इतना बता कि वो औरत थी आदमी था जो इसके आंग में डाला जादू करके तुझे और तू जादू से आया खुद ब खुद आ गया जादू जोर से बोल जादू हाँ जादू अच्छा वो जादू कहाँ से चला था शमशान कब्रिस्तान ये याद नहीं आ रहा ऐसा याद दिला कहाँ से चला था वो कहाँ से चला था ये अल्लाह वालों का डर है यहाँ झूठ बोलेगा तो कट जाएगा सच में हाँ पूरा काट के जा देखा ना ताकत कैसी रहती तो अल्लाह वालों की देखा नहीं देखा हाँ देखा हाँ चला बयान कर जो पूछा उसका जवाब दे सीधा सीधा हाँ क्या कौन किया था इस पर ये अमल औरत अच्छा कहाँ से गाँव की औरत है नाम नहीं पूछा मैं कौन से गाँव की औरत है ये बोल गाँव का नाम बोल सिर्फ किसका नाम गाँव का शहर का जहाँ से जादू किया था ये लड़के पर जो औरत ने जादू किया था वो औरत का गाँव का नाम बता करने वाला या करवाने वाला वो करवाने वाले वही दोनों के नाम नहीं पूछा मैं सिर्फ गाँव का नाम बोल गाँव इसके गाँव गाँव का नाम नहीं है नाम नहीं हबीबपुर इसके गांव हबीबपुर कहाँ था है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसको इसके गांव जोर से बोल डिस्ट्रिक्ट जी ये स्टेट बिहार हाँ और दूसरा बात ये लड़के का जादू चलाते वक्त क्या लेकर गए थे खिलाए थे हाँ। किस चीज में खिलाए थे नहीं बताऊंगा ऐसा तू मुझे नहीं बताएगा आया याद आधे में अच्छा बता नाम बता नहीं क्या पूछा था मैंने इसको भी खाने का नाम खाने का नाम नहीं बताऊंगा नहीं बता दे मछली बिरयानी छोड़ दे मछली बिरयानी बच सकता नहीं आधे में हाँ बता मछली बिरयानी कब खिलाया था दोपहर में रात में दोपहर में लंच के टाइम छोड़ बता रहा हूँ छोड़ अच्छा और इसके साथ कितनों को खिलाया इसके घर में से सिर्फ इसको ही खिलाने की वजह क्या थी ये पढ़ने में बहुत अच्छा था या कमाने में अच्छा था या कोई दुश्मनी थी या रिश्ते की दुश्मनी थी क्या मामला झगड़ा किया था सिवान में
झगड़ा किया था इतना यहाँ बस इतना ही काफी। और एक सवाल बता, तुझे लाए थे कहाँ से? शमशान से, कब्रस्तान से लाए थे? कहाँ से तुझे शमशान कब्रस्तान? हेलो हाँ जल्दी बोलो कौन कहाँ से? पानी पिला दे मुझे, तुम दो 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 मिनट, एक मिनट पानी पिला। कौन है वहाँ? बच्चा है कोई बाहर हमारा अवेलेबल? टपोरी वाला समझ रहा था। देखा, बहुत खतरनाक है तू, छोड़ दे, लग रहा मेरी जान निकल जाएगी। छोड़ेंगे तो नहीं, तुझे छोड़ेंगे कैसा? आज मैं पकड़ा गया, आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। ए शमशान से, अरे छोड़ दे, बता रहा हूँ छोड़ दे। अरे बाप रे, क्या बता? कहाँ से लाए थे? कब्रिस्तान से? शमशान से लाए थे। जादूगर हिंदू था, मुसलमान था? जादू के याद हूँ। अभी तक कितने लोगों को मारा उसने? ये याद नहीं आ रहा। जोर से बोल। याद नहीं आ रहा। याद करके बोल। जाना लेता हूँ लोगों के। अरे बाप रे बाप। काट के बाहर टांगूंगा तुम्हें आता हूँ। नहीं 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 नहीं। लड़के को कितने साल हो गए जादू करके? जोर से बोल। 3 साल। कितने? 3 साल। 3 साल से परेशान कर रहा है उसको? क्या परेशान कर रहा था? जोर से बोल, जबान से बोल। क्या परेशान कर रहा था? जबान से बयान कर। पानी। हाँ पानी, वो तो पिलाएंगे, पहले बोल। बहुत प्यास लगी, जल्दी बोल। उतर, उतर, उतर। हाँ। क्या क्या तकलीफ दे रहा था? लड़के को क्या क्या बीमारियां लगाया था तुमने? सोने नहीं दे रहा था। हाँ। नमाज नहीं पढ़ने दे रहा था। हाँ। गंदे गंदे काम करा रहा था। हाँ। इसको डरा रहा था। हाँ। इसके सर को भारी किया था। हाँ। ये बता रहा था कि मछली बिरयानी में खिलाया गया, लेकिन इसके घर वाले कोई नहीं मान रहे थे। हाँ। बगल के ही है। हाँ। बगल के ही है। अच्छा, एक बात, गंदा काम क्या करवा रहा था इसको? लड़कियों से बात करा रहा था। इसको पागल नहीं रहने दे रहा था। ये नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं नहीं पढ़ने देता था। अल्लाह वाला है, अल्लाह से मुझे बात कर दो, मुझे बात कर दो। पानी 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 दम करके पिलाओ। पानी 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 जल्दी मुँह लगा, जल्दी से। जोर से बोल, मुझे दम से छोड़ दीजिए, नहीं सुन छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। देखा यहाँ कैसी ताकत है तुम? ये आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का दर है, ये इमाम हसन हुसैन के औलाद का दर है। यहाँ से फैज नहीं देंगे अल्लाह तो कहाँ से फैज देंगे? झगड़ा उसको ना लाया को। क्या समझा था मुझे? ऐसा ही समझा था, ऐसे समझ के आ गया था। झगड़ा उसको अंदर से ना लाया को। ये इसीलिए बच गया क्योंकि इसे अल्लाह पे बहुत ज्यादा विश्वास है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, इसीलिए बच गया। घर से और कितने लोगों को मारने वाला है? किसी को नहीं, सिर्फ इसको। अच्छा, इसको कैसा मारने वाला था? बीमारी? फांसी देके। फांसी देके। हाँ, फांसी देके। कहाँ देने वाला था? घर में, बाहर, जंगल में? घर में, घर में, घर में, घर में, घर में, घर में। अच्छा, कब देने वाला था? जब ये कमजोर पड़ जाता तब। कितना टाइम बचा था? टाइम तो नहीं मालूम, लेकिन ये मजबूत बहुत है, बहुत मजबूत। फिर भी तू कब खींचने वाला था? अम्मास में, पूनम में? ताकत कब मिल रही थी अम्मास में, पूनम में?
क्या, कौन सी काली रात से ताकत ले रहा था तू? अमावासी ले रहा था। अब क्या करना तेरे साथ सुलभ, वो सोच रहा हूँ मैं, इसको क्या सुलूक किया जाए, इसको बाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूँ क्या? देख मैं तुझे अगर बाटल में डालकर कांच के बंद कर दूंगा और जमीन में गाड़ दूंगा तो तू खयामत तक के वास्ते जमीन में ही रहेगा, फंस जाएगा, फिर खत्म तेरी आजादी। बहुत परेशान कर रहा था छोकरे को, कितनी मजा आएगी तेरी कांच के अंदर अटक के बट जमीन में। बहुत तड़पाया इसको, क्या तेरे हाथा काट के लेकर इसके साथ छोड़ दूं तुझे मैं? ले लूं हाथा दोनों, नहीं जोर से बोल, जोर से बोल, नहीं वैसे नहीं सुने आता मुझे, नहीं हां नहीं हां नहीं, मैं सोच रहा दोनों हाथा काट कर ले लूं और बाहर हाथ टांग दो नहीं नहीं बगैर हाथों के उसको, नहीं नहीं उसको सुसाइड करा देंगे ना भाई, हटकर लटका देंगे बंदे पर, इसलिए हाथ मुझे दे दे। हां क्या करूं, ले लूं? नहीं नहीं आज मैं पकड़ा गया, सुने नहीं आ रहा मुझे, जोर से बयान कर। मैं पकड़ा गया आज, सब लोगों को सुने आना पूरे, मैं पकड़ा गया आज। मनमानिया करेंगे और सोच रहा कि तेरे ऊपर कोई नहीं है, ऐसे सोच कर मनमानिया करेंगे। मैं हूं ना वो ले लेता हूं, मैं काट के मुझे चाहिए वो बाहर टांगना है। बहुत तकलीफ हो रही हाथों में, तू जाकर फांसी दे देंगे ना, इसलिए आंख लगा कर काट देंगे तेरे दोनों हाथ। कौन आ रहा? नहीं नहीं वो बस आ रहा, उसके फोन को भी नहीं छेड़ सकता। क्या करूं तुझे, काट कर ले लूं दोनों हाथ? नहीं पानी पिला दे, पानी तो तुझे बहुत पिलाएंगे, टेंशन मत ले, जरा पानी पिलाओ थोड़ा सा, थोड़ा देना, बहुत तकलीफ हो रही। हाँ वो तो जलाना है, नहीं 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 थोड़ा सा, थोड़ा देना, नहीं 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 माफ कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा, थोड़ा सा के पहले कर दो, कब लेने वाला फाइनल? पिलाओ जल्दी से पिला दो, आग लगाओ उसके पेट में भी, आग लगाते रहो। हाँ जाएगा छोड़ कर इज्जत से, नहीं जाऊंगा 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 मुझे तकलीफ नहीं सानी, जाऊंगा, जाना तो पड़ेगा तुझे, छोड़ कर नहीं जाएगा। मैं तुझे अभी अंगूठी में निकाल कर ले लूंगा, किसको भी अंगूठी में डाल कर दे दूंगा, नगीने के अंदर बिठा कर फिर लोग घस कर तुझे गुलाम बना देंगे अंगूठी के अंदर, डाल दू अंगूठी के नगीने पत्थर के अंदर कैद करा कर, नहीं नहीं एक अंगूठी में डालकर किसी को भी दे देता हूँ, उसके साथी को किसको भी, फिर वो तुझे गुलाम बना देगा, फिर तुझे अंगूठी घसेगा कि तुझे काम लगाएगा, फिर उसके पास गुलाम बन के रहेगा तू, फिर वो तो अभी तो लोगों के जाना ले रहा आजाद, फिर तेरी गुलामी छीन लूंगा मैं, वो आजादी छीन लूंगा और गुलामी देता हूँ, बोल। नहीं नहीं जोर से, नहीं 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 वैसे सुने नहीं आता मुझे, एकदम जोर, नहीं 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 क्या करना तेरे साथ, वो ही सोच रहा हूँ, कांच की बोतल में डाल दू, नहीं डाल दू, नहीं नहीं क्या अंगूठी के नग में डाल दू तुझे? नहीं नहीं बहुत किसी को भी दे दूंगा, वो उससे ज्यादा तकलीफ होगी तुझे, जब अंगूठी घस कर निकालेंगे बाहर तो तुझे गुलामी का काम लगाएंगे, तो उससे ना लाया लोगों की जान आ ले रहा तू ऐसा, तो बाकर तुझे एक मौका दे रहा हूँ, कैसे कैसे तोबा? हाँ वो मुंह पे हाथ मार कर, हाँ जोर से मार, जोर से मार, और अल्टा कर तोबा, तोबा बोल, अल्टा कर तोबा बोल, आवाज लगा कर तोबा तोबा तोबा, जोर से आवाज लगा, तोबा 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 तोबा, जोर से आवाज लगा, तोबा तोबा तोबा, और जोर से तोबा तोबा, मुझे सुने नहीं आ, तोबा 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 तोबा, क्या नाम है बेचारा? तबरेज आलम को सताएगा? नहीं सताएगा, नहीं जान लेगा, नहीं सर में दर्द करेगा, नहीं और क्या क्या तकलीफ जरा करेगा, नहीं नापाक करेगा, उसको नापाक करेगा, जोर से बोल, नहीं दुआ करके बोल, दुआ दुआ, एक मौका दे रहा हूँ खाली, एक मौका, बहुत तकलीफ हो रही। हाँ वो तो काट के ले लूंगा दूसरे में चक्कर में, अगर सुधरेगा नहीं तो, समझ गया, एक मौका दे रहा हूँ, जा लड़के को छोड़ दे और दूसरी बार आ मेरे पास और मुझे सब बयान कर, आगे की दास्तान में जो पूछूंगा, तो अभी उसको छोड़ के निकल जा, सारे तकलीफा दर्दा उसे बयान देकर, तकलीफा देगा और सताएंगा मुझे याद कर उसको तकलीफ देने से पहले, कि मैं तुझे फिर कैसी तकलीफ दूंगा, तो समझ गया ना?
हाँ या ना? समझा नहीं समझा? समझा समझा समझा। बाहर पानी, पानी मिला। और उसको बाहर जाने के बाद उल्टी करेगा तू, बाहर जाने के बाद उल्टी नहीं तो जुलाब में दवा निकाल देगा उसके जो अंदर अटके लिए, समझ गया? बहुत मारूंगा, नहीं करूंगा उल्टी, करा कर निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, निकालेगा निकालेगा ना, निकालेगा ना, सारी दवा बाहर, उल्टी जुलाब में बाहर। कैसे? ऑटो खुद ब खुद उसको ऑटोमेटिक जुलाब लगाएगा, नहीं तो उल्टी लगाएगा और खिलाए वाली दवा बाहर गिरा देगा, समझ गया ना? नहीं। हाँ, कैमरा नजदीक लाओ, क्या बोल रहा हूँ? हाँ नहीं, एक चीख मार, फाइनल बार छोड़ देंगे। अरे गौर से मार, शैतान है तो शैतान की ताकत लगा नाला, चल जा भाई, दूसरी बार सब याद करके आना और उसको कोई सताना करना नहीं जब तक। चल निकाल, हाजिर नहीं होना उसके घर पे, हाजिर नहीं होना उसके आंग में, सताना नहीं। चल रास्ता खुला, चल भाई, चल चल, ए छोड़ो रे, हाँ चल, चल। मारो ना उसकी तरफ कैमरा, उतले के जैसा ठहर जा रहे तुम तो। हाँ मेरे तरफ मारो, ये जो मामला है तो उसका खुद ब खुद उन्हें आए वाला नहीं है, उसको लाकर खिलाकर छोड़े ऐसा उसने बयान किया, उसकी जुबानी कैसा है यहाँ। ए देखो उसको पानी वानी पिलाओ। अरे तुम क्या पुतले का ज्यादा ठहरने बात है, कर साथ में उसके। हाँ दूसरी बात क्या बोलते, तो ये जो मामला है तो उसने बयान किया कि उसको उन्हें कोई अम्मास या पूनम अम्मास अम्मा बोला उसने, उसने उसको सुसाइड अटेम्प्ट करा के मारने वाला है वो, और मेरे नजर से थोड़ी छुपने वाले क्या बात है और क्या मामला है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा क्या अभी, तो मुझे सब पता पड़ जाएगा। वो कुछ आपस में जो भी मैटर हुआ था वो मैटर वो आगे एक्सपोज करेंगे, आगे उसके ऊपर खुलासा करेंगे, और वो जिसने भी हरकत किया उसका नाम तो नहीं छुपता भाई। यहाँ नाम छुपेगा तो फिर निकलेगा कहाँ, और यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो निकलेगा कहाँ, इसलिए यहाँ तो निकलना ही निकलना है नाम। जिसने भी किया, बिल्ली दूध पी रही है आंख बंद कर कर और ये सोच रही है मुझे कोई नहीं देख रहा, गलत बात है भाई, मैं देखूंगा भी और सबको दिखा भी दूंगा, इसलिए ये जादू टोने वालों के नजदीक मत जाओ मोमिन बंदो और मुसलमानो, अल्लाह ने तो सख्त मना फरमाया, जादूगरों के पास जाएंगे तो तुम हम में से नहीं है, तुम हम में से नहीं है, तुम हम में से नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए, इसलिए इबादत के रस्सी को मजबूती से थामो और इबादत किया करो, अल्लाह वालों के दर पे जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ, आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मिले तो उनके तो पास ज्यादा से ज्यादा जाया करो, क्योंकि वो तो हमारे मैं बयान ही नहीं कर सकता, तुम क्या बयान करो, अल्लाह में सबसे बुलंद और आला मर्तबा अल्लाह ने सादात सैयदों का रखा, और सैयदों को छुपने नहीं देता ओरिजिनलों को, और डुप्लीकेटों को चलने नहीं देता, क्योंकि डुप्लीकेट जो रहते तो डुप्लीकेटों को तो गर्क कर देता उनके नस्लों को उन सबको, और ओरिजिनल जो सादात और सैयद रहते वो कहीं पर भी रंदो कोहिनूर कैसा चमकता वैसा चमका के बताता सैयदों को, कोहिनूर से भी कीमती हो, क्योंकि उनकी जो ब्लड लाइन है उनका जो खून है तो वो तो खून इमाम हसन इमाम हुसैन का है, आले रसूल औलाद अली वो पंजतन पाक का खून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, और मैं क्या बयान करूं तुम लोगों को सैयदों की और सादादों की तारीफ, इसलिए सैयदों से बुग्ज मत रखा करो लोगों, उनके के वास्ते दिल के अंदर जरी भी नफरत और तुम रखेंगे तो फिर वो तुमसे तो इतना खतरनाक दुश्मन ही ले लेता फिर अल्लाह, और फरमा देता कि अब तुम तो मेरे दुश्मन खुले और मैं तुमसे जंग का ऐलान करता हूँ, गई तुम्हारी इबादतें, गई तुम्हारी नमाजें, गए तुम्हारे रोजे जकाता सदके करे आले सब, फिर तुम्हारे मुंह फेंके मार देते खत्म रफा दफा। देखो ना करबला के अंदर क्या वाकया हुआ, वो यजीद अपने आप को बड़ा बता रहा था नेक बख्त, और उसके साथ में भी तो मुफ्तियां खारियां उस दौर के कौन कौन से हाफिजा सब, मगर
उनकी नमाजें तुमको भी पता है, उनकी इबादतें, उनके रोजे, उनके ज़कातें, सदके सब उनके मुंह फेंक के मार देंगे ना अल्लाह, तुम भी खुद जानते ना, मार दिया भी होगा अभी तक और उनका अजाबों में घेर भी लिया यकीनन। और वो देखो इमाम हसन इमाम हुसैन की आलों, वो देखो करबला के अंदर सब शहीद हो गए, पूरा घराना बच्चा बच्चा अल्लाह और उसके रसूल की रजा में कुर्बान कर गए, दीन इस्लाम को हमारे लिए महफूज कर गए। और मैं क्या बयान करूं, वो असल अल्लाह के, अल्लाह ने खुद फरमाया कह दो अली से अली असदुल्लाह, अली अल्लाह का शेर है, और शेर के बच्चे तो शेर ही रहेंगे ना, और गिद्दड़ के बच्चे तो गिद्दड़ ही रहेंगे, कुत्ते को तो बच्चे कुत्ते किस पैदा होंगे, और शेर को बच्चे शेर किस पैदा होंगे, नस्ल नस्ल। और जहाँ दुनिया का मालिक, दुनिया का खालिक और दुनिया की हर चीज पे हुकूमत करने वाला मेरा रब ख्वाबा फरमाता कि अली असदुल्लाह अली अल्लाह का शेर है, तो जब अल्लाह का शेर है तो अल्लाह बोला अली के बच्चे भी तो शेर के बच्चे रहेंगे ना। करबला में किसी की हैसियत नहीं थी कि इमाम हुसैन के सर को शहीद कर दे, आपको सजदे के अंदर धोखा करे, बुजदिल थे जालिम नमाज के अंदर वार कर गए, मालूम था उन्हें अगर सजदे से उठेगा तो फिर किसी की ना खैर है, क्योंकि ये हैदर का लाल है करबला उखाड़ के, जो कि हैदर का लाल है जो खैबर उखाड़ के फेंका, जिसने खैबर का दरवाजा, तुमको भी तो मालूम है वो अली अल्लाह का शेर। तो ये बहुत सारे बातें, तो उनके बच्चों से तो आज भी अल्लाह वही काम लेगा ना दुनिया में खिदमत खल्क का, और यजीद के बच्चे तो वही काम करेंगे ना, नाजायज हरामजादे औलाद लोगों के आंग में शैताना छोड़ना, जुल्म देना, बर्बाद करना। और एक बात याद रखना मोमिन बंदो, तुम्हारे अल्लाह ने दुआ और बददुआ दो हथियार बहुत बड़े दिया ले, तुम किसी के हक में दुआ करो तो भिखारी बादशाह बन जाता, और तुम बादशाह के हक में बददुआ करो अगर तुम्हारी बददुआ लग गई तो अल्लाह उसको भिखारी बना के जलील करके रोड पे मार देता, ये खुदा की कुदरत है। तुम करो तो सही, तुम जाओ तो सही, तुम अल्लाह के सामने मंगो तो सही, अल्लाह को बोलो तो सही, वो जालिम ऐसा ऐसा कर रहा, तूने से अल्लाह उसको हुकूमत दिया, अल्लाह हर किसी को तूने हुकूमत दिया, बेजान पे भी तू ही हुकूमत करता, जानदार पे भी तू ही हुकूमत करता, हर चीज पे, तो हर 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 चीज तेरी हुकूम की गुलाम, फिर उन्हें हमको जहमत दे रहा अल्लाह मेरे मालिक, तू उससे कसास ले, तू उससे बदला ले, तू उसको जैसा चाहे हिदायत दे या फिर उस पे अज़ाब इलाही डाल दे। बेटा याद रखना एक बात, जादू टोना हट जाता दुआ पानी से, बीमारी कितनी भी बड़ी हों दो हट जाती मेडिकल साइंस उसको गोली दवा दे के हटा देता, और जहां पर दवा गोली से बीमारी नहीं हटती तो रूहानी तो वाला कोई भी अल्लाह वाली शख्सियत जादू टोने को भी हटा देता, मगर नहीं हटता अज़ाब इलाही। तुम पे अगर नाजिल हो गया अज़ाब इलाही तो उसको कोई नहीं हटा सकता, दज्जाल, फिरौन, शद्दाद, नमरूद, हामान, ये नमरूद, फिरौन, हामान, इनके ऊपर जो अज़ाब नाजिल हुए अल्लाह की तरफ से, तो उनको कोई बचा सका अल्लाह के सिवा? फिर बाद में नहीं बच सकते तुम, फिर तुमको गर्क होना ही है, फिर हलाक होना ही है, और ख़त्म होकर फना फिल्ला होना है, फिर उसके बाद ला महदूद जिंदगी में आजाब भी सहना है। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि तुम भाई उनके सफों में ठहर जाओ ना, जाके उनके लाइन में बनो ना, तुम उनके झंडे के नीचे जाओ ना, आले रसूल औलाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु के, हसन हुसैन के झंडों के नीचे जाओ, साहबा इकराम के, हशर के मैदान की बात बता रहा हूँ, वहां उनके झंडों के नीचे ठहरो। तुम क्यों अभी से ही जा रहे शैतान के झंडे के नीचे? शैतान क्या करने वाला है, क्या हैसियत है उसकी, क्या औकात है? हशर में जाके फंसा देगा तुम्हारा, और खुद क्या मरने के बाद ही फंसा देता तुम्हारा। उसके शैतान के पास कितने डाव रहते? 72,000 डाव रहते उसके पास में तुम्हारे गुमराह करने के। और याद रखो लोगों, उन्हें तुम पर सिर्फ और सिर्फ 12,000 डाव यूज करता पूरी जिंदगी में तुम्हारे, तुमको गुमराह करने को। और जिस दिन तुम्हारी रूह कब्ज होने लिरती, उस दिन तुम्हारे सिराने से ठहर के 60,000 डाव यूज कर देता, तुम कलमा नहीं पढ़ना बोल के। बताओ कैसा फिर तुम बचेंगे? पहले से जो उसके साथ तैयार नहीं, तो गए तुम फंस गए। इसलिए ईमान को मजबूत रखो पहले से, और तकवे परहेजगारी को भी मजबूत रखो, इबादत कसरत से किया करो हर वक्त, तो फिर तुम महफूज रहेंगे, अल्लाह तुम्हारा हर वक्त निगेबान रहेगा, और उसके 12,000 तुम्हारी ज़िंदगी में भी डाव काम नहीं कर सकेंगे, और 60,000 तुम मरते वक्त तुम्हारी रूह कब्ज़ होते वक्त सिराने से ठहर के जो 60,000 डाव यूज़ करेंगे कलमा नहीं पढ़ने देने के लिए, तो वो भी उसे कार नहीं कर सकेंगे, और तुम जन्नतुल फिरदौस के हकदार बनेंगे, तुम जन्नत की नियामतों से लुत्फ अंदाज होंगे आखिरत के दौर में भी और खबर के घड़े में भी। और नहीं मांगे सीख मन मानिया करे, शैतान के झंडे के नीचे जाएंगे, शैतान के फॉलोअर बनेंगे, तो जाओ जहन्नुम में, किसका क्या जाने वाला है? लामहदूस जिंदगी में भुगत तो करो, खबर में भी भुगतो, ये तो दुनिया तो 4 दिन का फसाना है ना भाई, कब तुम्हारी जान देंगी, कब रूह खींच लेंगे मौत का फरिश्ता, बोल नहीं सकते। और ये जादू टोने दूसरे के ऊपर मत किया करो, और ये जादू टोना किसी को नहीं गिनता भाई, तुम बोलेंगे मैं मानता नहीं जादू, रहता क्या है इम्पॉसिबल, अरे क्या पागल होगा क्या? कुरान के अंदर अल्लाह ने बोल दिया,
कुरान ही सबसे बड़ा साइंस है, और कुरान ही को पढ़ के सबने रिसर्च करके से पहले बता ना, मैंने हर चीज कायनात की बनी गई वाली हर चीज का जिक्र है उसके अंदर, पढ़ो तो तुमको पता चलेगा। और एक बात उसके अंदर ये भी बता दिया गया अल्लाह कुरान के अंदर कि जिन्नात है, शैतान है, जादू है, हमने ये सब अल्लाह ने फरमाया जिन्नात को भी पैदा किए, शैतान को भी पैदा किए इबादत के लिए, मगर वो इबादत की राह से भटक गए। और जैसा आधे इंसान इबादत करते आधे भटक गया ना, अभी तुम्हारे में भी कैसे जादुआ कर रहे एक दूसरे के ऊपर वह सकते हैं, तो तुम ये मत सोचो कि ये है नहीं है, जो कुरान में कह दिया गया वो पत्थर की लकीर है तो है ना, मैं मिटा सकता ना मेरा बाप मिटा सकता, ना तुम मिटा सकते ना तुम्हारा बाप मिटा सकता, कुरान का जबर ना जेर जो है सो है पत्थर की लकीर। मिटाने वाले मिट गए, शद्दाद फिरौन हामान नमरूद, उन्होंने भी बहुत कोशिशें किए थे दीनों के अंदर बिगाड़ डालने की, तबलीग के अंदर बिगाड़ डालने की उस दौर में भी अल्लाह के, मगर क्या आलम किया ये दौर में तो ऐसा कलाम उतारे वाला है ना खुद का कलाम इलाही, 1400 साल में भी मैं बोलने वालों ने उसके ऊपर बहुत सारे वो करे रगड़े मारे, बहुत क्या हो रहा है इसको उल्टी आ रही है, पानी पिलाते रहे उसको उल्टी आने लगी थोड़ी थोड़ी देर को, हाँ बंद कर दो, रुको रुको रुको, तो बहुत सारे रगड़े मारे लोगों ने, बहुत सारी दास्तानें करे, मगर किसी ने भी जबर नजीर कुरान का बदल गए, बहुत सारे धर्मों के किताबा बदल गए सब बहुत कुछ, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, पढ़ लो उनके उठा के, 100 साल पीछे के पढ़ो, 100 साल बाद के पढ़ो, तुमको खुद उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि कितने चेंजेस आए, मगर वो ये कलाम इलाही वो है कि जैसा उतरा नाजिल हुआ तो आज तक वैसा ही है, कसम खुदा की ना उसका अलिफ कोई आगे कर सकता ना पीछे कर सकता, तुम्हारी हैसियत नहीं है दुनिया वालों, क्योंकि अल्लाह ने उसकी खुद हिफाजत की जिम्मेदारी लिया। और अल्लाह कौन है तुमको मालूम है, अल्लाह को हर धर्म के हर धर्म का इंसान मानता अल्लाह को, अल्लाह ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों की जागीर है, तुम उसको अरबी के अंदर अल्लाह बोलते, इंग्लिश में तुम उसको गॉड बोलते, मराठी और संस्कृत में तुम उसको ईश्वर बोलते, उर्दू के अंदर तुम उसको खुदा बोलते, फारसी के अंदर तुम उसको खुदा बोलते, और वो ही उसका ही नाम सबसे आला उम्दा अल्लाह है, अल्लाह याद रखना। मैं जो बातें बता रहा कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रोको जरा।